ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, माया का जो मॉडल को उसे हमें क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, माया में इंपोर्ट करना है, लेकिन इसका प्रोसेस अलग अलग। जैसे जो फाइल में गए, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, वन प्रेस करते हैं, सेलेक्ट किया फाइल, ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट सिलेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, मैं तो एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने किया एक्सपोर्ट, ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया, ठीक है, माया टू जेडएक्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइक फेस के नाम से मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट, इन लोगों को जैसे ये दो पार्ट हैं, इनको मैं अलग अलग अभी मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अलग से एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया आई ई वाई आई, ठीक है, ई एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, दो मॉडल मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे। अभी एक्सपोर्ट करने के बाद करना क्या है, जीवस में चलते हैं, यहाँ पे जीवस में गए, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पे किया, ठीक है, डेस्कटॉप पे अपने यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे गए, यहाँ से था मेरे पास यहाँ पे माया टू जीवस, ठीक है, देखो एक पार्ट ये एक पार्ट ये, एक साथ तो दो नहीं आएगा, पहले हमें क्या करना है, मैंने आई यहाँ पे लिया, ओपन कर दिया, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, इसके बाद हमें टी प्रेस करना पड़ेगा एडिट में आगे, ठीक है, यहाँ पे चीज़ अगर विजुअल नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिस्प्ले आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पे डिस्प्ले में जाके आपने डबल कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे करना क्या है, अभी मैं अपना दूसरा मॉडल यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो दूसरा मॉडल ऐसे कॉल नहीं होता, दूसरा मॉडल को कॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है सिंपल टूल, यहाँ पे पॉलीमर्स, आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक किया, अभी यहाँ पे अब इंपोर्ट करना आपको, इंपोर्ट किया फेस, तो यहाँ पे देखो ये दो मेथड है, यहाँ पे सिंपल द पार्ट, अभी देखो आई आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये फेस आपका यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को साथ में लेके यहाँ पे दिखना चाहिए यहाँ पे, इसके बाद आपको यहाँ पे अपेंड करना है, अपेंड पे क्लिक करो और ये आई वाले मॉडल को क्लिक कर लो, तो ये इस तरीके से आपका मॉडल आ जाएगा, सिंपल द पार्ट कि आप कैसे आप मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो।